नमस्कार दोस्तों, आपका विल पावर एंड लाइफ के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी पुस्तक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं? इसका पहला कारण यह है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसे बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने मर्डर किया। उस इंसान की गलती है जो पैसे के गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है जो पैसे ना होने की वजह से शुरू हो जाती है। अगर आपके पास पैसा होंगे, आप एक लग्जरी लाइफ ही जी रहे होंगे, आप बहुत खुश होंगे, तो बहुत सारी बुराइयां आप में खत्म हो गई होगी। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा ये बात इस पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग एसोसिएट है, यानी कि मनी और फीलिंग्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ और अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने 5 तरीके बताए हैं जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर आप ऑथर के थ्रू बताए गए नियमों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत से बहुत मेजर चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे और बहुत बदलाव पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। ऑथर ने फर्स्ट रूल बताया है, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही गरीब हूँ और या मेरे पास ही पैसे की कमी है, या सामने जो भी चीज़ है वह ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया वह कितना ज़्यादा है, वह कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो आप जब भी ऐसा फील करेंगे तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को एसोसिएट कर रहे होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक फीलिंग्स तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी कि पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हो, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करोगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है वो कंपनी या फिर पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपने वो प्रोडक्ट खरीदी है। आपको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन मेरे पास से जो पैसे हैं वो मुझसे छीन कर लेके जा रहा है। वह हमें बहुत ज़्यादा अनर्जी करता है जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको उस दौरान जब आप पैसे पे कर रहे होते तब आपको ध्यान क्या करना हो, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप किसी को बिल पे करने वाले हो या आप किसी को भी कोई पैसा पे करने वाले हो, तो अपना फोकस लेकर जाएं एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा, जितने सारे लोगों का एफर्ट किया है उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। इनफैक्ट सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते आप, जिसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों का एजुकेशन की फ़ी वहाँ से पे की जा सकती थी, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड को पूरी की जा सकती हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या है, कितनी ज़्यादा हैं। आप जो विल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू कर देंगे, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जब आप जो पैसे देने वाले हो तो आप और भी पैसा देना चाहोगे। जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं तब आप इस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना चाहती है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जिसमें सेकंड वे बताया गया है, सेकंड रूल बताया गया है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि किसी को धन्यवाद देने की इच्छा प्रकट करना। चलिए जानते हैं लेखक ने क्या कहा चाहा, मतलब किसी को धन्यवाद देने की इच्छा प्रकट करना। चलिए जानते हैं, समझते हैं इस पूरी सारांश को। जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग्स ऑफ लव रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह के वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उनको उस तरह के रिवॉर्ड नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग्स रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। चलिए जानते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें बताया गया है अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पूरी सारांश में समझते हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा प्रचुरता की बात की जा रही है, भंडार की बात की जा रही है, वेल्थ की भंडार। चलिए समझते चाहते हैं क्या है ये। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन सी फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग्स आ जाती है जिससे वो अनइजी फील करने लगते हैं। यही अनइजीएस्ट मनी के साथ अटैच हो जाती है। तो आपको ये करना होगा, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल देखते हैं, यानी कि आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, कितना हैप्पी है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, कितना वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, यानी कि प्रचुर मात्रा है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोग को देने के बाद भी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसे फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप एक मैसेज डिटीट करते हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन है, आप भी इस तरीके से वेल्थ और इस तरीके के सक्सेस को डिजर्व करते हैं। या फीलिंग्स के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी या ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में भी चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही आता है। ज़्यादातर तो लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, तब वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है, जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेशन देना होगा, एजुकेट करना होगा। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने होंगे कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो शायद यह बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वहाँ ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर आप वहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है वहाँ, वह एक निश्चित समय और निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू कर दें, जैसे मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, एजुकेशन दे सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि आप जब रास्ते ढूंढते हैं, तो रास्ते एक्सेस करते हैं जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे, तो आपको वही दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, एनालाइज्ड पॉइंट। यूजिंग थ्री विजुलाइजेशन पावर। आपको दो विजुलाइजेशन जरूरी करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, ओपन आई विजुलाइजेशन।
जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं, जब आप खुली आंखों में विजुलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, उन रिजल्ट के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, मर्सिडीज इत्यादि। तो आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये अमेजिंग कीजिए, या फिर आप ये फील कीजिए आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं जो आपने अभी नाम लिया, मर्सिडीज या BMW को। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए, मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो तभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि 100 पीपल है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स ही तो वो फ्रिक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, लास्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्लोज आई विजुलेशन। सुबह के समय आप क्लोज आई विजुलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुलेशन कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे कार्स को आप यूज करते हैं, किस तरीके का कार को आप यूज करते हैं, कैसी कार यूज करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर, हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल ज़्यादा टच करते हैं, तब आप विजुलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीडें पूरी कर सकते हैं आप, कितने लोगों को ज़िंदगी में आपके थ्रू चेंज आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो, ये विजुलाइज करना शुरू कीजिए। बस जब आप सुबह उठ रहे हैं यह विजुलेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम करना शुरू कर देगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है, क्योंकि एक्सिस तो वो अभी भी करती है, दिख नहीं रही है बस। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके समक्ष इस बुक का अर्थात हाउ टू अट्रैक्ट मनी का निचोड़ प्रस्तुत किया है। इन 5 तरीकों को यूज करना सीखिए, आने वाले समय के साथ आप कितने चेंज हो जाएंगे, ये क्रिएटिव हो जाएंगे, ये फिक्स है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।